गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 9 ऑफ द सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास 6. द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेशेंस अ वर्च्यू, यानी धैर्य एक गुण. यू हैव टू अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स बाय योरसेल्फ. व्हेन एवर यू विजिट एनी प्लेस, पीपल नोटिस द वे यू बिहेव. पेशेंस इज वन ऑफ द प्रीसियस वर्च्यू विच एवरी ह्यूमन बींग मस्ट पोसेस. पेशेंस हैज मेनी क्वालिटीज इम्प्लिसाइट इन इट. जब भी आप किसी जगह जाते हैं तो लोग यही देखते हैं कि आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं. और धैर्य एक ऐसा गुण है जो कि हर एक इंसान को धारण करना चाहिए. धैर्य में बहुत सारी ऐसे गुण हैं जो वो अपने साथ धारण करती है. इफ़ वी से अ पर्सन पोसेस पेशेंस, दिस मीन्स द पर्सन हैज़ टॉलरेंस, करेज टू फेस एवरी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस टेम्पर. अगर हम कहते हैं कि किसी इंसान में धैर्य है, इसका मतलब वह यह है कि उस इंसान में ऐसा साहस है और किसी भी मुसीबत में को अपनी ज़िंदगी में जो वो फेस करता है उसको तो उसको सहन करने की उसमें क्षमता है और उसे अपने टेंपर को यानी अपने टेंपर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है उसके अंदर. वो अपने भावनाओं को अच्छे से काबू कर सकता है और उनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकता है. सच पीपल कैन लीव थ्रू एनी सिचुएशन विदाउट एनी डिसकंटेंटमेंट एंड डिस्पेयर. ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रखते हैं और उनको बड़े ही धैर्यपूर्वक उसे फेस करते हैं और उनसे उबर करके बाहर भी निकल जाते हैं. So one who is impatient often creates problems for himself. A person must make every possible effort to attain virtues of patience. और इसलिए जिस भी इंसान में धैर्य नहीं होता है वो अपने लिए हमेशा मुसीबतें खड़ा करता है. और हर एक इंसान को इसलिए कोशिश करना चाहिए कि उसमें धैर्य का गुण हो. In the land of Uj, there lived a man named Job who led a blameless and pious life. He was a God-fearing man who had shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters. Uj एक जगह का नाम है जहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम जॉब था. वो पूरे अपने पूरे जीवन में निर्दोष जीवन जिया था, यानी कि उस पर कोई भी अब तक दोष नहीं लगा था और वो बड़ी ही पवित्र जीवन जीता था. वो ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था और कभी भी बुरा नहीं करता था. उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं. ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन दैट लैंड फॉर ही पोजेस्ड अ नंबर ऑफ शीप्स, कैमल्स, ऑक्सन, डंकीज एंड सर्वेंट्स. वो उस जगह पर सबसे अमीर व्यक्ति था क्योंकि उसके पास बड़ी मात्रा में भेड़ें, ऊंट, बैल, गधे और नौकर चाकर थे. जॉब हैड ग्रेट पेशेंस. ही वॉज बेनेवोलेंट, पोलाइट एंड काइंड हार्टेड. जॉब था जो था वो बहुत ही महा उसके पास बड़ी ही धैर्य थी, यानी वो बहुत धैर्यवान व्यक्ति था. वो लोगों से प्यार करने वाला था, पोलाइट था और दयालु हृदय का था. हिज चिल्ड्रन feasted every day and spent money lavishly. Job was a religious person. It was his devotion that protected his children from God's wrath. उसके जो बच्चे थे वो हर रोज बुरी तरीके से पैसे खर्च किया करते थे और बड़े ही व्यभिचारी विचार के थे. ये जॉब का जो धर्म में विश्वास था जो और ईश्वर में आस्था थी जो कि उसके बच्चों को ईश्वर के प्रकोप से बचा करके रखा था. वन डे वाइल गॉड वॉज सिटिंग विथ हिज एंजल्स, सैटर्न हैपेंड टू पास बाय. एक दिन जब ईश्वर अपने दूतों के साथ बैठे हुए थे तो वहीं से शैतान गुजर रहा था. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आस्क्ड गॉड. आई हैव रोम्ड ऑल द अर्थ बट आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन हु वॉज अ सिंसियर एंड फर्म बिलीवर, रिप्लाइड सैटर्न. तो ईश्वर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो. तो शैतान जो रहता है वो कहता है कि मैं पूरी पृथ्वी घूम करके आ रहा हूँ लेकिन मैंने एक भी ऐसा इंसान नहीं पाया जो कि बहुत ही सिंसियर हो और एक सच्चा विश्वासी हो. शैतान उत्तर देता है, आई नो सच अ मैन एंड हिज नेम इज़ जॉब, सेड गॉड.
तो ईश्वर उसके बात का रिप्लाई करते हैं कि मैं ऐसे पुरुष को जानता हूँ और उसका नाम जॉब है। सैटन रिफ्यूज टू बिलीव दिस एंड डिसाइडेड टू टेस्ट हिम। द लॉर्ड ऑल्सो अग्रीड। तो शैतान जो रहता है उसे विश्वास नहीं होता है, तो वो उसका परीक्षा लेना चाहता था जॉब का। तो परमेश्वर जो रहते हैं वो भी राज़ी हो जाते हैं। वन डे हरिकेन स्ट्रक द लॉर्ड ऑफ लैंड ऑफ ऊज एंड कास्ट हार्म ओनली टू जॉब। Nobody other than him suffered. All his crops were damaged. His cattle died. Still Job said nothing against God. All his children ridiculed because of his blind faith in God. एक दिन क्या होता है, हरिकेन यानी जैसे चक्रवात साइक्लोन होता है उसी तरीके से हरिकेन है। एक बवंडर आता है हरिकेन नाम का, जो कि ऊज के भूमि पर आता है और सिर्फ जॉब को उससे हानि होती है। इसके अलावा और किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। उसके सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, उसके सारे मवेशी मर जाते हैं। इसके बावजूद जॉब जो रहता है वो ईश्वर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलता है। उसके सारे बच्चे जो हैं उसके अंधविश्वास यानी अपने पिता के अंधविश्वास पर बड़े ही गुस्सा कर रहे थे, घृणा कर रहे थे। देन वन डे अ बिग अर्थक्वेक हिट जॉब्स हाउस एंड शूक इट। और एक दिन क्या होता है कि बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आता है और उसके घर को हिला देता है। ऑल हिज चिल्ड्रन डेड। उसके सारे बच्चे मर जाते हैं। जॉब वॉज हार्ट ब्रोकन एंड येट हिज फेथ वॉज स्ट्रॉन्ग देन हिज लॉस। नाउ हिज वाइफ एंड फ्रेंड ऑल्सो टर्न अगेंस्ट हिम। और इस अर्थक्वेक में जब उसके सारे बच्चे मर जाते हैं तो उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद, इन सब नुकसान के बावजूद, उसका जो विश्वास रहता है वो ईश्वर पे से नहीं डिगता है। अब उसकी पत्नी और उसके दोस्त भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। नाउ सैटन टर्मेंटेड जॉब फिजिकली। सोर्स ग्रेव ऑल ओवर हिज बॉडी। ही बिकेम डिसफिगर्ड। People avoided him. The richest man of Uj had become a pathetic and miserable man. अब शैतान क्या करता है, अब उसे शारीरिक कष्ट देने लगता है शैतान जो है जॉब को। उसके पूरे बदन पे फोड़े हो जाते हैं, उसका शरीर बेढंगा हो जाता है, उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो बदल जाता है और उसकी कंडीशन जो है अब वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। जो कि अब तक ऊज का सबसे अमीर व्यक्ति था, लोग उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, लोग उसको अवॉइड करने लगते हैं, अनदेखा करने लगते हैं। बट हिज फेथ डिड नॉट वीकन। इसके बावजूद उसका विश्वास जो रहता है वो अडिग रहता है। ही बिलीव्ड गॉड हैज़ डन दिस फॉर हिज ओन गुड। व्हेन हिज फ्रेंड्स केम टू कंसोल हिम ही सेड नैबेड आई केम टू द अर्थ एंड नैकेड आई शैल रिटर्न। हेयर शुड बी के बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन नैबेड। हेयर शुड बी नैकेड। तो फिर उसके बाद अभी भी उसका विश्वास क्या रहता है ईश्वर में, कि ईश्वर ने उसके कुछ भले के लिए ही ऐसा कुछ किया है। जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं उसको मनाने के लिए या फिर उसको कुछ कर कहने के लिए, तो वो कहता है कि मैं नंगा ही पृथ्वी पर आया हूँ और यहाँ से नंगा ही वापस जाऊँगा। गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिज अनडाइंग फेथ पेशेंस एंड प्रिजर्वरेंस। He restored to him everything and Saturn was defeated once again. ईश्वर उसकी इस अडिग विश्वास और धैर्य से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसके बाद उससे जो कुछ भी उसका छीना था वो सब उसको वापस दे देते हैं और एक बार फिर से शैतान की हार हो जाती है। सो चिल्ड्रेन अ पर्सन हु हैज़ पेशेंस शैल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ एंड लॉर्ड शैल बेस्टो हिम विद ऑल द ब्लेसिंग्स। इसलिए बच्चों ध्यान रखो कि जिसके पास धैर्य है, जो धैर्यवान है, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सफल होता है और ईश्वर भी उसे अच्छी आशीषों से नवाजते हैं हमेशा। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टेक द करेक्ट आंसर। नंबर वन, जॉब वॉज वेरी, आंसर इज काइंड हार्टेड। नंबर टू, अ मैन ऑफ पेशेंस इज मास्टर ऑफ मेनी क्वालिटीज़। गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिज faith. State two or false. Number one, a man who was patient can do his work in a proper way. True. Patience is a valuable quality. True. Job had patience and he was a God-fearing man. True. Job's children were very obedient. False. Saturn was very kind to Job. False. Fill in the blanks. Whenever we visit a place, people notice
नंबर टू, अमन हु हैज़ पेशेंस कैन फेस डैश इज एवरी डिफिकल्टीज. जॉब लेड अ वेरी पायस लाइफ. हिज चिल्ड्रन हेल्ड अ फीस्ट एवरी डे डैश इट इज लविशली. नंबर फाइव, हुज वॉज स्टक बाई डैश इट इज हरिकेन. सो दीज वर द एक्सरसाइजेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.